This is your music. Your station. I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. It's all about you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त 11:58 हुआ चाहते हैं और आप सुन रहे हैं हॉट 105। तो दोस्तों, इस लम्हे आप हर इतवार को सुना करते हैं संडे मॉर्निंग विद द लेजेंड मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। मैं आपकी खिदमत में आदाब कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आज नवंबर की 27 तारीख, और 2022 भी करीबुल ख़त्म है। अल्लाह करे कि ये साल का इख्तिताम अच्छा हो आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, और आने वाला साल हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी भी लाए, दिल को खुश करने वाली कोई ऐसी बात जिससे हमारे दिलों का इत्मीनान बढ़ जाए, हम मुतमईन हो जाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। आज के प्रोग्राम में भी हम आपके लिए बहुत अच्छी गज़लें लाए हैं, और अगर आज पहली मरतबा आप हमारे साथ हैं तो ये बताना ज़रूरी है कि इस शो में जो दोपहर 1 बजे तक होता है, हम कथारसिस करते हैं, अपने दिल की बात आपसे शेयर करते हैं, और आपके दिल की बात हम चाहते हैं कि हमसे शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ हम अपने लेजेंड्स को खराज अकीदत पेश करते हैं, लेजेंड की आवाज़ें गज़ल और गीत की सूरत में आप तक पहुंचाते हैं, जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक बहुत अच्छी आवाज़ से, जो अब तक हमारे दिलों में बसती है, गूंजती रहती है। शायर ने कहा, किसी शायर ने कहा, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी गाता जाए रोता जाए। सपावा
जनाब उस्ताद मुसर्रत अली ख़ान की आवाज़ में आपने ये गीत सुना है, और ये गीत जब मैंने प्ले किया तो उसके फ़ौरन बाद एक मैसेज आया, इरशाद अहमद ख़ान हमें सुन रहे हैं ये हैदराबाद में, वो कहने लगे कि किस गज़ब का गीत आपने चलाया है, मुझे अपनी बेगम याद आ गई है जिसका 2 साल पहले इंतकाल हुआ था। हाँ जी, बहुत से लोगों को अपनी अपनी कहानियाँ याद आती हैं जब गीत सुनते हैं, जब कोई गज़ल सुनते हैं, तो
उसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। गम से अंधा अंधेरा रिश्ता बना है, जिनकी जुदाई है, जिनको दिल ने अपना रोना लिखना है, अपनी सुलगती मोहब्बत जलती तड़प बतानी है। वो किसी फासले किसी शहर में किसी मुल्क में किसी फ़ोन पर कहीं नहीं है, ज़मीन पर कहीं नहीं है, ज़मीन के नीचे हैं। दिल बार बार उनसे मिलने को उनके साथ ज़मीन के नीचे जाने को ललकारता है, लेकिन दिल के लिए अभी वहाँ पे ज़मीन खोदता कोई नहीं है। 105 You are listening to Hot FM 105 Radio Network. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ सही तौर पर आ रही होगी। कुछ प्रॉब्लम होती है बाज़ुकात इक्विपमेंट में, सो इसे महसूस मत कीजिएगा। वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हसासियत नहीं रही है, हम सख्त दिल हो गए हैं, संग दिल हो गए हैं बल्कि। टेक्स्ट मैसेजेस जो आए इरशाद साहब ने मैसेज मुझे क्विकली भेजा, आपका भी दिल चाहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बात अपने दिल की हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको तरीका नहीं आता है हम बता देते हैं कि आप अपने मैसेज ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे HOT लिखिएगा, HOT लिखने के बाद एक स्पेस देना है और अपना नाम और जो भी बात कहना चाहें। और मैं हमेशा की तरह ये ज़रूर कहूँगा कि पढ़ लीजिएगा आपने क्या लिखा है, और भेजना है आपको 8881 पर, 8881 पर हमारे पास आएगा। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ बरकत अली साहब आपका, आपका मैसेज आया है, सुबह बखैर का है, और कहते हैं कि मुरली की आवाज़ बता रही है भाई तशरीफ़ लाए हैं, खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी मुरली, आपने खूब कहा। हाँ, बस निशानियाँ होती हैं ना इंसानों की, इंसान अपनी निशानियाँ छोड़ जाते हैं, लोग याद करते रहते हैं। मेरे बाबा मेरे अब्बा जी, उनका एक कलम है मेरे पास, और वो मैंने जब भी मैं उसे देखता हूँ, उस कलम से उन्होंने एक नज़्म लिखी थी अपने बच्चों पे, कभी मैं आपको वो नज़्म भी सुनाऊँगा, सारी बेटियों और बेटों के नामों से और अपनी शरीके हजात यानी हमारी अम्मा जी से, हमारी वालदा के नाम उसमें शामिल हैं। तो वो पेन जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद आते हैं। कभी कभी वो खिलखिला के हंसा करते थे, कहकह लगाया करते थे, और वो किसी और की बात में नहीं, वो हमारे बड़े भाई, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते थे या कोई ऐसी बात सुनाते थे, कोई ऐसा वाक़ सुनाते थे तो वो खिलखिला के हंसते थे, नॉर्मली मुस्कुराया करते थे। एनीवे नादिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, कहते हैं सत बिस्मिल्लाह आयानू, आपकी आवाज़ आई है तो दिल खुश हो जाता है। अच्छा, मेरी आवाज़ तो बड़ी मगमूम सी लगती है लोगों को, वो कहते हैं कि तुम खुशी से इतने दूर क्यों रहते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, किससे पूछें ज़माने को क्या हो गया, वो फ़ज़ाएँ कहाँ वो सवेरे कहाँ और वो शामें कहाँ, जिनमें सुबह सवेरे के नगमे भी थे, जिनमें तपती दोपहरों की गर्मी भी थी और शाम के धुंधलकों में उदासी न थी। दिन कमाते थे हम, रात सोते थे हम, हर तरफ खौफ के जाल बिखरे न थे, बम धमाके न थे, चोरी डाके न थे, खून आदम कभी इतना अर्जा न था, मौत की हर तरफ यूं हुकूमत न थी, किससे पूछें ज़माने को क्या हो गया,
کس سے پوچھیں زمانے کو کیا ہو گیا، میری جنت کو کس کی نظر لگ گئی، دوزخی ہم نہ تھے پھر یہ دوزخ ہے کیوں؟ صاحب، ہم آپ کو ایک ایسی محفل میں لے گئے ہیں جہاں ملکہ غزل غزل سرا ہے، داغ دہلوی کا بے حد مقبول کرام، اور وہاں پہ داد دینے والے کیسے کھوئے ہوئے ہیں ان کی آواز میں اور ان کے کلام میں۔ ریمبر، دس از ہاٹ 105، میں ہوں السلام علیکم مظفر احمد۔ میرے قابو
मेरे काबू में ना पहरों दिले ना शाद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया। कोई भूला हुआ अंदाज सितम याद आया, कि तबस्सुम तुझे जालिम दम बेदाद आया। लाए हैं लोग जनाजे की तरह महशर में, किस मुसीबत से तेरा गुश्तना बेदार आया। राग देखवी का कलाम हम सुन रहे हैं, और सुबह के इस पहर ऐसी गज़लें सुनने में यकीनन आपको लुत्फ़ आता है, तभी तो आप प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। ख़वातीन उज़ैद, अभी मैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, और उसके बाद लौटेंगे तो हम आपको दावत देते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पर, और पहले से सोच के रखिएगा कि आपको बात क्या करनी है और किस तरह से अपने दिल की बात कैसे खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने पिरो के हम तक पहुंचानी है। और सुनने वाले आपके लिए कैसे कैसी दुआएं करेंगे। मुझे यकीन है कि आप इन बातों का ख्याल रखते हैं, और जब मैसेज करते हैं तब भी उसे पढ़ लिया कीजिए, देख लिया कीजिए। प्रोग्राम की मुनासिबत से किसी गाने की, फिल्मी गीत की, या आजकल चलने वाले गानों की फरमाइश ना कर दीजिएगा, प्रोग्राम पहले सुनते हैं थोड़ा सा, और प्रोग्राम पूरा सुने तो ज़्यादा आपको मेरा ख्याल है कि बेहतर लगता है। चलती गाड़ी में सवार होने से कुछ लुत्फ़ नहीं आता है सफ़र का, तो 2 घंटे का जो सफ़र है तो आप अच्छे तरह से मेरे साथ गुजारेंगे, मेरे अच्छे हम सफ़र बनकर रहेंगे, मेरे प्यारे और मेरे दुलारे बनकर रहेंगे। चाहे तो मुझे कॉल कर लीजिए, दिल चाहे तो कॉल कर लीजिए। आज मेरे पास बोलने को कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं पिछले संडे आपके साथ नहीं था, कुछ ज़ाती परेशानी में था, और अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किल आसान वही करने वाला है। आप उसी से दुआ करें, उसी से चाहें, इंसानों से मांगने की बजाय अल्लाह ताला से मांगा करें, मुशावरत किया करें अल्लाह ताला से। अपने आप को अगर सीधा रखेंगे ना, क्लास में आपको याद होगा जब आप पढ़ते थे स्कूल में, तो अगर आप अच्छा सबक याद करते थे, अच्छा बिहेव करते थे, तो आपका टीचर आपकी मिसालें दिया करता था और आपका ख्याल रखता था, और अगर आप वहाँ पे बदतमीज़ी करते थे, छेड़छाड़ करते थे अपने साथियों के साथ, या उस्ताद का मजाक उड़ाया करते थे, तो फिर वो आपके साथ मुनासिब नहीं रहता था। सो यही मामला करना है, हम अपने आप को सीधा रखें, अपने अमाल अच्छे रखें, अपनी हरकत अच्छी रखें, तो अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़ के कोई देने वाला नहीं है। जब भी मांगें अल्लाह ताला से, और रो रो के दुआ मांगा करें। रोने से मुझे याद आया कि हमें बरकत अली साहब का मैसेज आया, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जब आप ऐसी बात करते हैं तो आंसू रोकने का कोई तरीका भी बता दिया करें। और मैं बरकत अली साहब, आंसू रोकने का तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसू जब बहते हैं तो दिल को नर्म करते हैं और आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, ज़िंदगी की हकीकतों को समझने वाले बन जाते हैं, और आपको ये आंसू खुशी भी दे जाते हैं। सो जब आंसू बेकरार हों आंखों में, तो उन्हें निकाल देना चाहिए, बहा देना चाहिए। एनीवे, बातें कहां से कहां चली जाती हैं, और आप मुझे अब कॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलने में मुझे गले में कुछ खराश लग रही है, सो माज़र चाहूँगा। एक और मैसेज है, ये हमें लाड़काना से आया है, बतूल शहर हैं या शहर हैं, कहते हैं कि नाम आमना बतूल शहर, अच्छा शहर लाड़काना, ओके। आमना बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रही हैं, कोई और बात भी आप कहती तो हमें अच्छा लगता प्रोग्राम के बारे में, या जो भी आप महसूस करती हैं ना आज के दौर के हवाले से, तो यकीनन सुनने वालों को भी कुछ सीखने का मौका मिलता। तनवीर अहमद कहते हैं कराची में, हमें सुन रहे हैं, कहने व्हाट अ स्टार्ट सर, थैंक यू। बस जी, आपकी हौसला अफजाई होती है तो मुझे भी खुशी होती है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम, हवा के दोज पर साथ रहने वालों की खिदमत में शेख तफ़ील अहमद का सलाम और प्यारे से मुजफ्फर भाई की खिदमत में मेरा पुरखलूस सलाम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ, शुक्र है खुदा का, आपकी दुआ चाहिए। तो वो प्रोग्राम ने अभी ऑन किया था जब आप कह रहे थे कि मैं आपसे हम बात करेंगे, उसी वक्त मैंने ऑन किया, मैंने कुछ सुना नहीं। अच्छा, तो यानी चलती गाड़ी में सवार हुए आप। ये बहुत अच्छा जुमला कहते हैं आप कि चलती गाड़ी में सवार हुए। तो आजकल तो है, ये रीत है, गाड़ी आई और फौरन चलते जब बैठ गया उसमें और देखा नहीं कि कहाँ जाएगी। ये भी बार दफा तो ये भी नहीं देखते कि जाएगी कहाँ, बैठ गए ऐसे। इसीलिए होता है कि वो जब मुझे आके किसी गाने की फरमाइश कर देते हैं ना दोस्त, तो फिर मुझे लगता है कि वाकई जी चलती गाड़ी में सो रहे हैं, इनको पता नहीं है कि मंजिल क्या है। असल में बात यह है शेख साहब कि हम जिस नौयत की बातें कर रहे होते हैं, अगर उसी को पहले से सुन लिया जाए तो फिर उसी तरह की कोई बात शेयर की जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना वो सवाल चना जवाब गंदम वाला बात हो जाती है। तो मैंने पहले ही हाथ जोड़ लिया ना, इसीलिए तो मैंने सुनी नहीं। नहीं, बस कोई खास बात नहीं है, आप शेयर कीजिए जो बात भी कहना चाहते हैं। मैं असल में बात ये थी कि हर साफ आदमी जो है ना वो जब ऐसे हालात होते हैं तो सोचता है। जी हाँ जी, ये जो आजकल जो इस तरह से महंगाई हो रही है और जो है ना लोग अफरा तफरी का शिकार है, जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है, जो जो जिस भाव चाहे बेच रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसके लिए कुछ आप भी कहिएगा। ये जो है ना, हाँ कम से कम जो है ना, ये तो पहले तो होता था कि कमिश्नर साहब निकलते थे बाहर और जाते थे, वो बाजारों में भी जाते थे और इतवार बाजार में भी जाते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं जाता, कुछ नहीं पूछते क्या दो दो सौ रुपए किलो टमाटर और ये कौन किस तरह से गरीब गुजारा करेगा। मैं इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं ये बोलूं और आप भी इरशाद फरमा दीजिएगा थोड़ा इस सिलसिले में, तो अच्छा लगेगा। जी जरूर। बहुत शुक्रिया। और उन लोगों के लिए दुआएं हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम बीमारियां परेशानियां दूर फरमा दे। और मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी, आप हमेशा खुशखुरम रहें और कोई गम पास ना आए। आमीन सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शेख तफ़ील साहब हमारे बहुत ही देरीना लिसनर हैं साहब, कई बरस बीत गए, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे। और इसी तरह से वो आखिर में जो जुमला बोलते हैं, सबके लिए सेहत की दुआ करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आपका दिल भी चाह रहा है हमसे बात कर लीजिए। महंगाई की बात कर रहे थे हमारे शेख साहब, तो मैं तो अभी ये सोच रहा था कि मुझे अपनी बेगम के कुछ टेस्ट करवाने थे लेबॉर्ट्री से, तो मुझे डॉक्टर ने तो लिख के दे दिए, लेकिन जब मैंने उसका पता किया टेस्ट का, तो वो पता चला कि वो कई हज़ारों में है। सो डॉक्टर भी बड़ी बेरहमी से लिख देते हैं टेस्ट, महज बहरहाल उनका भी ये होता है कि मरीज़ को बेहतर से बेहतर मशवरा देना, उसको सही डायग्नोस करने के लिए बताते हैं और पता चलाना चाहते हैं जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलिए मैंने तो करवा लिया, लेकिन वो एक शख्स जिसकी आमदनी बड़ी महदूद है, 30-35-40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला भी शख्स, और अगर वो किराए के मकान में रहता है तो फिर तो अल्लाह ही अल्लाह, किस तरह से वो बच्चों की तालीम और तरबियत, बच्चों की सेहत, अपनी अगर फैमिली है, वालिद बूढ़े वालिद हैं, वालदा हैं, उनका ख्याल करना किस तरह से ये मैनेज करते होंगे। मैं समझता हूँ और सियाने यही कहते हैं कि इसीलिए माशरे में जराइम बढ़ते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं, और आप देखते भी हैं हमारे माशरे में जा बजा रोज़ाना चोरियाँ डकैतियाँ, खड़े खड़े गोली मार देना, चाकू मार देना, कत्ल कर देना, उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ माशी सुकून नहीं है, लोग घबराए हुए परेशान हाल हैं। सुबह सुबह जो है वो आप किसी को मंगवाते हैं, खाना वाना मंगवाते हैं, जैसे आजकल घरों में लोग भेजते हैं, तो ऑनलाइन जो खाने मंगवाने का मुसलिफ हीले लगे हुए हैं, तो वो मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा शख्स आता है और 60 साल की उम्र का होगा। मैंने उससे पूछा कि आप सुबह सुबह, कह लेंगे बच्चों की खातिर करना पड़ता है जी।
अब देखिए कि एक मर्दों को वैसे घरों में कहा जाता है कि माँ ही ज़्यादा काबिल एहतराम है, वो हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जो मर्द है घर का, बड़ा भाई है या बाप है, वो भी तो बेचारा ठोकरें खाता फिरता है, वो अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए सारा दिन वो मारा मारा फिरता है, और उसे सारे दिन की कमाई 200-400-500 मुश्किल से 1000 रुपये उसे जमा होते होंगे, तो उस पर जो है मुझे एक गार्ड याद आता है, वो बेचारा परेशान हमेशा कहता है कि साहब आज बड़ी परेशानी हुई, घर में दूध नहीं था, घर में चाय नहीं बन पाई, पापे नहीं थे, हम तो पापे से नाश्ता करते हैं, कुछ लोग देखिए पापे से नाश्ता करते हैं, कुछ लोग पापे के साथ बड़ा गैर महजब सलूक करते हैं। एनीवे मैं क्या अर्ज करूँ, महंगाई और ये जो है उलझने, ज़िंदगी पता नहीं इसी क्या नाम है, मैं कहता हूँ ना कि खुशी कहीं मुँह छुपा के चली गई है, और बेशर्मी बेहजाई जो है वो दंदनाती फिर रही है पूरे माशरे में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे इवन घरों के अंदर ये सब मामला चल रहे हैं। एक खलिश को हासिले उम्रे रवा रहने दिया, जानकर हमने उन्हें ना मेहरबान रहने दिया, आरजुए कुर्ब भी बख्शी दिलों को इश्क ने, फासला भी मेरे उनके दरमियान रहने दिया, कितनी दीवारों के साए हाथ फैलाते रहे, कितनी दीवारों के साए हाथ फैलाते रहे इश्क ने, लेकिन हमें बेखानमा रहने दिया। सब कमाल की गजल है और कमाल की गायकी है, इसे सुनिए, महसूस कीजिए, एंजॉय कीजिए। जब इतनी उम्दगी के साथ गुलुकार जो है वो अदा करता है किसी शायर का कलाम, तो वो शायर का नहीं रहता है, वो उस गुलुकार का रह जाता है। दोस्तों ये कलाम है अदीब सहारनपुरी का, और आवाज़ आपकी जानी पहचानी है, और मेरी आवाज़ भी मेरा ख्याल है कि जानी पहचानी है, मैं हूँ मुजफ्फर अहमद, और ये माइक्रोफोन है हॉट 105 का, जिसके ज़रिए आप मुझे दूर और करीब सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आप हमें सुन रहे हैं, हॉट 105 का सलाम पहुँचे।
वाला। तलब की बात है, चुन लिया हमने तुम्हें सारा जहां रहने दिया,
और ये भी क्या जीने में जीना है बगैर उनके अदीब शमा गुल। अजीब सी कैफियत तारी हो गई खान साहब मरहूम को सुनकर, अदीब सहारनपुरी का कलाम सुनकर। ऐसा लगता है कि अच्छा खैर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 1111-0105 पर, इससे पहले 021 भी आपने डायल करना है, ये नहीं भूलना है। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं वो मैं भी शामिल करता हूं और आपकी कॉल्स भी हम ले रहे हैं। हमारे साथ जी फयाज मिनहास हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। अफजल हज़ारवी साहब भी अपने गांव गए हुए थे और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ था, वापसी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैर वफीद के साथ वापस आ गए। उम्मीद है कि वहाँ भी आप किसी खुशी में शामिल होने के लिए गए होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जहाँ पे बुखारी सैयद अभी तशरीफ़ रखनी है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, इतवार बखैर, अब आप ही बतलाइए कि मैं किस तरह आपके इंतखाब की दाद दूँ, इस कदर लाजवाब मधुर गज़ल गीत के हाय हाय निकल रही है, मेरे इधर हाय हाय निकल रही थी खान साहब को सुन के। आपकी बस में सब कुछ है मगर दाग नहीं, मुझको वो खाना ख़राब आज बहुत ज़्यादा आया, मैं तमन्नाए शहादत का मज़ा भूल गया आज इस शौक़ से अरमा से, इस मैं क्या कहूँ, कहती हैं सर धुने या जी को रोए, हाय 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 हाय, वाकई कमाल करते हैं साहब जी शोराए कराम भी और गाने वाले भी। बेसाख्ता आपकी तवील उम्री की दुआ दिल से निकल कर ज़ुबान पर आती है, जिए बहुत शुक्रिया बुखारी सैयदा, अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, और हमेशा आपके लिए दुआ करता हूँ कि वो जो आपके दिल में है, जो आप किसी से ज़ाहिर नहीं करती हैं, किसी से कहती नहीं हैं, सवाए अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं जानता है, वो ख्वाहिश वो अरमान आपके पूरे। कॉलर हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रुबीना साहब हमारे साथ। जी जी, कैसे हैं मुजफ्फर भाई आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाइए। मैं असल में लोग लफ्जों में बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगी, कहते हैं लोग मुझको भी दुआ के लिए, कहते हैं लोग मुझको भी दुआ के लिए, किस कदर रब ने मेरे ऐप छुपा रखे हैं, परिंदों के लबों पर तलावत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर तलावत जाग जाती है, सुबह दरख्तों पर इबादत जाग जाती है, वाह वाह, मुकर्रर वक्त नहीं है कोई उसकी नवाजिश का, मुकर्रर वक्त नहीं है कोई उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। बेशक बेशक, ये मैंने इसलिए कहा कि जो लोग रोना रोते हैं ना महंगाई का, मत रोए, सुबह जब फजर के टाइम पर हज्जत के वक्त अल्लाह उनको तो सीख दे, वो उठ के अल्लाह से मांगे और अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। बजा कहा आपने, बिल्कुल सही, एक एक बस थोड़ा तन फिर जिंदगी मौका दे या न दे, मुझसे बोला तो नहीं जाता, लेकिन आज मैंने कहा चले न कुछ सुना ही दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं गहरी नींद अब सोना चाहती हूँ, तो तेरे ख्वाब पलकों पे सजाना चाहती हूँ, हिजर के बाद वक्त का जाने जहाँ अपना लुत्फ है, बेशक हिजर के बाद वक्त का जाने जहाँ अपना लुत्फ है, तुझे खोकर मैं फिर से पाना चाहती हूँ, वाह, बहुत रो लिए वहशतों के इन्हिसार में सनम, अब कोई नगमा जहाँ फिजा गुनगुनाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पत्थर कहते हैं मुझे ये बेरहम जमाने वाले, पत्थर कहते हैं मुझे ये बेरहम जमाने वाले, चल कोई दे जख्म नया मैं रोना चाहती हूँ, अब तुम ये हो तो फिर ये फासले दरमियां के, जब तुम मेरे हो तो फिर ये फासले दरमियां के, आओ पास बैठो जरा,
खुद में समोना चाहती हूँ। अच्छा। जहाँ हर तरफ खुशियों का हो बसेरा, जहाँ हर तरफ हो खुशियों का बसेरा, मैं मकान कोई ऐसा बनाना चाहती हूँ। बहुत खूब। रुबीना साहब, आपका एक मैसेज भी आया हुआ मेरे पास, आप वो खुद ही सुना दीजिए, क्योंकि खबरों का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि वो पढ़ने में बाज़ का दिक्कत होती है। आप बताइए आपने क्या लिखा है उसमें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ भी खत्म करे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ भी दे, आमीन। और अल्लाह ताला कुल जहाँ के जो लोग परेशान हैं उनको अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सबको खुशियाँ दे दे, आमीन आमीन। लेकिन जब जब हमारे अमाल जो हैं अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है। मैंने लिखा था कि खुशियों की बात हो रही थी कि जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिशों के ताबे नहीं होती, हालात और वाकयात हमारा रास्ता मुतय्यन करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें मसलियत के तकाजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। सही। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो वो हर एक की जिंदगी में आती है। जी हाँ, जी हाँ। आप मेरे लिए भी दुआ करें। चले, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चियों के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह फिर जब कभी बात होगी तो करूंगी। जी जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत। आमीन आमीन। ये रुबीना साहबा थी और आपने सारी बात सुन ली। और नादिर साहब, आपके मैसेज से एक बात साबित हो गई कि आप भी बाज़ औक़ात बीच बीच में से मुख्तलिफ स्टेशन्स पे उतर जाते हैं। आपने फैज़ साहब की जो नज़्म सुनने के लिए मुझे ज़्यादाश बग़ैर भी कहा है कि ग़ालिबन आपके शिकवा है ये, मैं गुज़श्ता से पैवस्ता इतवार, गुज़श्ता इतवार को तो मैं नहीं आया था, इससे पिछले इतवार को बाकायदा आपकी नज़र की थी मैंने नूर जहाँ की आवाज़ में। आप नहीं सुन पाए हैं तो मैं आपके लिए दोबारा भी इंशाल्लाह ये सुना दूंगा। और दिलदार अली शेख साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप बेस्ट आरजे हो ना, ऐसी बात ना कहें, लोग नाराज़ होंगे। और मैं मुझसे बहुत बेहतर, बड़े अच्छे अच्छे माया नाज किस्म की आवाज़ें हैं जिनको आप सुना करते हैं, कि आप इतना स्लो बोलते हैं कि ही को नहीं, और बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ बात में समझ में आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ाहत, अब हम खबरों की तरफ जाते हैं। खबरें, मैं कहता हूं कि ज़रूर सुना करें, बाखबर रहना चाहिए। नाउ इट्स टाइम